बहुत खुशी की बात है, 30 साल इज नो मीन अचीवमेंट। 30 साल में जी टीवी ने बहुत मनोरंजन किया हम सबका। जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ 30 साल जो आप लोगों, ये सब वहाँ नहीं बोला मैंने, ये आप लोगों को बोलने वाला हूँ, ये आप लोगों के लिए रखा था, किसी को पता ही नहीं है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये 30 साल में आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपका रिश्ता कैसा रहा जी रिश्ते अवार्ड से, कि जब ये टीवी लॉन्च हो रहा था जी टीवी चैनल, उस वक्त मेरी पिक्चर आ रही थी फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरी कहानी याद आई कि गाने ब्लैंक स्क्रीन पर बजते, जी टीवी चैनल लगा दो तो सिर्फ दिलों में छुप रहा है चांद की तेरे दर पर सनम चले आए, सब बजते। और बिकॉज ऑफ जी टीवी ये गाने लोकप्रिय हो गए और सुपर हिट हो गए। और जी टीवी लॉन्च हुआ था जब फिर तेरी कहानी, अगर आप अपने रिकॉर्ड देखेंगे तो हैरान होंगे। तो जी टीवी के साथ मेरा ऐसा, मेरी जिंदगी में बड़ा योगदान है जी टीवी का। और आज मैं इसलिए आया हूँ टू प्रमोट माई शो, अभी आ रहा है सारे गामा पा लिटिल चैंपियंस, इसमें मैं हूँ, शंकर महादेवन जी हैं, नीति मोहन जी जज हैं और भारती भी है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट आल्सो। थैंक यू। आपको मेरे चेहरे से नहीं लग रहा है कि मैं बहुत 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 खुश हूँ सारे गामा पा लिटिल चैंप्स के लिए मैं जज कर रहा हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज हमारे जजेस को जजेस भी बहुत अच्छे हैं और सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे, उनका टैलेंट कमाल है। हमने जो ऑडिशनिंग की है दे आर फैंटास्टिक टैलेंट। और मैंने बार बार कहा ईस्ट ऑफ वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, भारत देश महान, उसमें ऐसे ऐसे कलाकार हैं कि मैं क्या बताऊं। बच्चों बहुत से गाने हैं, लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही छोटे छोटे बच्चे मिलते बोलते हैं वी लव योर सॉन्ग। मैं बोला कौन सा, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है कैसे मैं आऊं, अरे दिल रजामंद है, या दूसरा एक गरम चाय की प्याली हो। आप बोलते रहेंगे मैं गाता रहूंगा, शो यही हो जाएगा।